नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा जानी चोर, एक सातिर चोर की कहानी। एक बनिए के तीन बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला, कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लल्लू, जो कि सबसे छोटा था, बोला, मैं तो चोरी करूंगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला, बेटे, चोरी करना आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भूरता बना दिया जाता है। उसके लिए अक्ल की बड़ी जरूरत है। लड़का बोला, इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तहान ले सकते हैं। बनिए ने कहा, तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि एक हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अक्ल की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का उसी वक्त दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो? नाई ने बताया, वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला कि मुझे जानी राम कहते हैं, मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया, शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। सुनकर जानी राम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वह बोला, अच्छा भाई, मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली, बोला, बैठ जाओ। जानी राम बैठ गया, किंतु पानी न होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी जानी राम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया, बोला, वहां से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानी राम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला, अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज एक असरफी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में लिखा था, बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। जानी चोर की यह हिम्मत, ससुरे को घोड़े की पूंछ से न बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुनार के घर में और कौन कौन है? बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा, तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी। जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आंखों से साफ साफ दिखता नहीं था। आवाज सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे, मेरा सुमेर आ गया। बहू उठ, देख तो, इतने दिनों के बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली, अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 वर्ष में तो
तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू घूंघट काढ़े खड़ी थी। जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है, वह बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई, वह भी बहू के साथ कोठे पर जा पहुँचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा रुपया कमा कर लाए हो, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीजों से भी बढ़कर है जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीजों को इनके मुकाबले की है भी या नहीं। बहू बहुत प्रसन्न हुई, अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली, अपना नौलखा हार तो मैं लाई नहीं, वह दूसरे कोठे पर रखा है। ठहरो, उसे भी लेकर आती हूँ, कहकर वह दूसरे कोठे पर जा पहुंची। जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूकची उठाई और चार दीवारी से कूदकर चंपत हो गया। सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहां 500 के इनाम मिलने की खुशी थी और कहां हजारों की चपत पड़ गई। उसने सोचा कि यह जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, चोर ही नहीं वह साथ साथ उस्ताद भी है, किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया। इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार न हुआ। लोग सोचने लगे कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी न चला जाए, किंतु शहर के कोतवाल से न रहा गया। वह मूछों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस बदमाश को मैं देखूंगा, पकड़कर बांध न दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से फिर पता किया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ दूरी पर घुड़साल पड़ती थी, जहां घोड़े पर सवार हो कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोक कर पूछा, इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकाल कर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ, तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहता है। औरत बोली, अच्छा तो चलो वहाँ मंदिर में चलकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया, हथकड़ी बेड़िया और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमका। हथकड़ी बेड़ियों को देखकर स्त्री ने पूछा, ठाकुर जी यह सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उसे समझाया कि ये चोर डाकुओं के गहने हैं, मैं इन्हें पहनकर देखूंगी। यह कहकर स्त्री ने हथकड़ियां लेकर अपने कलाइयों में डाल ली। उसकी कलाइयों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, यह तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है, तुम्हारी कोमल कलाइयां इससे बल खा जाएंगी। स्त्री ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीजों को पहनकर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती है। अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना। कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा ली। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर स्त्री जोर से हंस दी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे बरखुरदार, जानी चोर की पूजा करना क्या आसान समझा है? जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। किंतु जानी चोर कब सुनने वाला था।
उसने कोतवाल को एक रस्सी में बांध लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर घोड़े पर बिठाया और बादशाह के महल के आगे फेंक कर चंपत हो गया। सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई। जानी चोर ने कोतवाल की वह दशा बनाई जो आज तक कभी न बनी थी। लोग जानी चोर के नाम से थर थर कांपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दाव लगने पर वह घोड़े को अवश्य ही उड़ा लेगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा जिसमें काबुली घोड़े को जल्दी ले भागने की बात लिखी हुई थी। इस बार 5,000 रुपये इनाम रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तैयार न हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय न सूझा तो बादशाह ने स्वयं निश्चय किया कि वे अपने हाथों चोर को पकड़ेंगे। सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगा। जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार स्वयं बादशाह पहरे पर हैं। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रख अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देख बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हाँफती हुई बोली, क्या करूँ सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। सुनकर बादशाह घोड़े से उतर पड़ा, पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोछा, बोली, नाम तो सरकार वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौट कर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वह सिपाही नहीं चोर है, मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना काबली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्वयं उसने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला न समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो, जानी चोर यह भागा। बादशाह ने आवाज सुनी तो कलेजा धक रह गया, हाथ से चक्की छूट गई। वाह रे जानी चोर, तू तो अक्ल का पुतला निकला। उधर जानी चोर बादशाह की पोशाक में घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है, किंतु याद रख, गरीब को कभी परेशान न करना, ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों की सहायता करने में पीछे न रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस कर आ। सुनकर जानी चोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।